और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर से दोहराया है आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जांच में कनाडा और भारत मिलकर काम करें, अमेरिका की तरफ से यह कहना है, और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो बड़ी खबर है, भारत कनाडा मिलकर जांच करे, ये बात अमेरिका ने दोहराई है और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बयान दिया है। तो अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को बात करनी चाहिए और तभी यह तनाव कम होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अमेरिका ने भी यह कहा है कि अगर तनाव को खत्म करना है तो दोनों देशों को बातचीत करनी होगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां वहां पर है लगातार, जैसे कि हमने सुना एस जयशंकर को, उनका कहना है कि जो राजनयिक है उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनसेफ वो महसूस करते हैं एम्बेसीज में जाना, अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो कैसे ये तनाव खत्म होगा? देखिए, इस केस में कम से कम मैं जरूर कहूंगा कि कनाडा तो भतीजा है, जो चाचा है वो अमेरिका ही है। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ सालों बाद ये बात निकल कर सामने आए कि अमेरिका भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था इस पूरे मूवमेंट को कनाडा के जरिए, क्योंकि उसे कुछ और चीज़ें भारत की तरफ से ज़रूरत थी, या फिर वो चाहता है कि भारत किसी तरह से एक्ट करे, चाहे वो रूस वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा, चाहे वो चीन वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा, या फिर कोई ट्रेड या डिफेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा। ये मैं आपको जो टॉप हमारे गवर्नमेंट के, भारत सरकार के सोर्सेज हैं, उनके जरिए दर्शकों को ज़रूर बता दूँ कि इसमें आग में घी डालने वाला काम इस पूरे खालिस्तान वाले इशू पर अमेरिका ही कर रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए आप, जितने भी रिएक्शन कनाडा की तरफ से आए हैं, चाहे वो उनके जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आए हो, या फिर बाकी पॉलिटिशियन की तरफ से आए हो, या फिर उनके उनकी तरफ से जो कमेंट्री हुई है, उसका कम से कम 4 से 5 गुना रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आया है और वो लगातार रहा है। और एग्जैक्टली उसी कड़ी में एक बार फिर आपको सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अमेरिका के, उनकी तरफ से एक बार फिर आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखेगा। बेसिकली वो भारत पर किसी तरह का प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत इतनी आसानी से कोई चीज मानेगा नहीं जो उसके हित में नहीं होगा। तो इस तरह से वो एक दांव पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की या कैनेडियन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के साथ हेड ऑन किसी तरह के मुद्दे पर वो लड़े, क्योंकि आप इकोनॉमिक डोमेन में देखिए, ट्रेड डोमेन में देखिए, डिप्लोमेटिक डोमेन में देखिए, कनाडा से कई ऊपर है भारत जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्व की बात आती है तब। और इसलिए अमेरिका खुद सामने न आकर जो चाचा है वो भतीजे को लड़ा रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि भारत सरकार ने जो कदम लिए हैं वो इन सारी परिस्थितियों को, कि कौन सामने है, कौन पीछे है और क्या कुछ वजह है इसके पीछे, ये सब कुछ ध्यान में सोच समझ के रख के ही हमारी तरफ से रिएक्शन लिया जा रहा है। अगर एक क्विक बात कहना चाहूंगा, अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन ये डॉक्टर जयशंकर को याद दिलाना चाहते हैं जब वो अमेरिका में है तब, तो उसी उन्हीं की जमीन पर उन्हीं की भाषा में डॉक्टर जयशंकर ने भी चूज किया कि वहीं पर हम कनाडा से रिलेटेड बाकी जो हमारे रिएक्शन है वो सब के सब वहीं पे दिए जाए। बिल्कुल, तो और सीधी और खरी परिस्थिति जो थी एस जयशंकर ने पेश कर दी। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आतंक को लेकर भारत कनाडा को दुनिया में बेनकाब कर रहा है, कनाडा के पीएम ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। अब ट्रूडो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को सलाम कर रहे हैं। All of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. As we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. ABP News, आपको रखे आगे।